नमस्कार, स्वयं में आप सबका स्वागत है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब चीज़ों पर से विश्वास उठने लगता है और हम अकेले हो जाते हैं। जाने पहचाने चेहरे तब अजनबी लगने लगते हैं और हम मदद के लिए कोई हाथ तलाशने लगते हैं। फिर लगता है कि जिन हाथों का हमें भरोसा था वो अपनी तरफ मोड़ लिए गए हैं और हम तो वैसे के वैसे ही हैं, अकेले के अकेले। और तभी हमें भीतर से कुछ जगाता है, उमगता है। वह होता है हमारा विश्वास। आस्था के सब्ज रंगों से हम फिर से ज़िंदगी को बुनने लगते हैं। आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने वाले हैं वो मिसाल है इसी आस्था की। आस्था अपने प्रति, जिसके चलते ये ज़िंदगी में टूटी नहीं, और आस्था इस बात के लिए भी कि अगर ज़िंदगी में कहीं कुछ ऐसा है जो कि हमारे लिए नकारात्मक है, अनुकूल नहीं है, उसे हम अपनी तरह से बदल सकते हैं, अपनी तरह से मोड़ सकते हैं। हमारी आज की मेहमान हैं मीनाक्षी बालासुब्रमण्यम, जो कि स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की डायरेक्टर हैं। मीनाक्षी का परिचय इतना ही नहीं है, वे एक माँ भी हैं जिनका बच्चा खुद विकलांगता का शिकार है। मीनाक्षी ने सबसे पहले अपने इस बच्चे के लिए सही दिशा तय करने की कोशिश की, उसकी ज़िंदगी के खालीपन को भरा, उसे पढ़ाया लिखाया। फिर ज़िंदगी ने जो सवाल उनके आगे रखा था, न सिर्फ उसका जवाब ढूंढा, बल्कि खुद दूसरों की मदद के लिए आगे आई। आइए बातें करें मीनाक्षी से और जानें कैसी रही उनकी ये यात्रा। मीनाक्षी जी, स्वयं में आपका स्वागत है। आपको हेलन केलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले ये बताइए कि इस अवार्ड का नाम इस तरह क्यों रखा गया और आपको किस लिए दिया गया ये अवार्ड? हेलन केलर अवार्ड जो है, ये नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिजेबल्ड पीपल, इस संस्था ने शुरू किया है 1999 में। ये एक राजीव गांधी फाउंडेशन की एक यूनिट है, जहाँ पे चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, मिसेस सोनिया गांधी। और हेलन केलर तो हम सब जानते ही हैं कि जो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, इतने सारे अपंगों के साथ भी उसने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया अपंगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो उन्होंने काम किया। तो ये अवार्ड इसलिए ये लोग ने ये नाम चुना क्योंकि जो लोग एम्प्लॉयमेंट फॉर द डिजेबल के जरिए काम करते हैं, उसको हर एक साल ये अवार्ड देने का उचित समझा है लोगों ने। और कौन सा का नाम इससे ज़्यादा अच्छा रह सकता है सिवाय हेलन केलर की। स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की आप डायरेक्टर हैं और नेशनल जॉब डेवलपमेंट सेंटर की उस देख रेख भी करती हैं, तो आप सबसे पहले इसके साथ कब जुड़ी, किस आपके जीवन के किस मोड़ में इसके साथ जुड़ी हैं आप? मेरे दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं। इसमें जो छोटा वाला है, जो अखिल उसका नाम है, और वो डिसलेक्सिक है, मतलब उसको पढ़ना और लिखने का प्रॉब्लम है, जो थोड़ा जरिए से हम थियोरेटिकली उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिससे रीडिंग राइटिंग में उसका प्रॉब्लम रहता है। इसके जरिए सारे का प्रॉब्लम होता है, मतलब क्या परसेप्शुअल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जो जैसे ओरली बोल देगा HAPPY हैप्पी, लेकिन जब खुद लिखेगा तो उसमें सिर्फ आप HPY देखेंगे। तो बेसिकली साइट का प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जो हैंड ब्रेन और हैंड और आई कोऑर्डिनेशन का है। और ये तो मुझे बहुत मुश्किल था समझना। पहले तो वैसे 10 साल गुजर गए जब तक मैंने समझा कि मेरे बेटे में ऐसे कोई कमी है, जो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम था वो। तो जब तक 15 साल हुआ था, उतना नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में, और प्रॉब्लम ये थी कि खुद को वो पहचानने लगा कि मैं बाकी बच्चों के तरह में नहीं कर सकता हूँ। स्कूल ने तो उसे स्पेशल पेपर भी देते थे, लेकिन उसे लगता था मैं क्यों ऐसे पेपर जो
ओरल पेपर है, मैं ऐसे क्यों करूं, बाकी बच्चों के जरिए मैं क्यों नहीं कर सकता। स्कूल में आप उनको अलग पेपर मिलते थे? हाँ, पर ऐसे कैसे होता था कि इतने देर अंडरस्टैंडिंग, दे हैड अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम, तो पर इतनी देर के बाद कैसे पता लगा? वो तो शुरू में ही पढ़ना, जब उन्होंने शुरू किया। डिस्लेक्सिया के बारे में हिंदुस्तान में ज़्यादा जानकारी नहीं था वैसे, मुझे तब पता चला जब मेरे हस्बैंड लंदन जाके डिस्लेक्सिया के बारे में किताब जानकारी लाए, और मैंने खुद पढ़ा और स्पेशल एजुकेटर रख के अखिल को सिखाया। लेकिन इस प्रोसेस में ये हुआ कि हर एक जो मैंने उसे सिखाया था वो गलत था, तो तुम गलत कर रहे हो सही करना, गलत कर रहे हो सही करना, इसी में उसका फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया था। और हाँ, और जब तक 15 साल हो गया तो बिल्कुल उसे पढ़ने की इंटरेस्ट भी नहीं थी। तो इसी जरिए मैं सोच रही थी अगर मैं इसको और कोई लाइन में डालूँ जिसे, जहाँ से उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। छुट्टी में बॉम्बे आई थी और मैंने नेशनल जॉब डेवलपमेंट सेंटर, जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है स्पेसिफिक सोसाइटी की, आई हैपन टू सी दैट, और मुझे लगा यही है अखिल के भविष्य के लिए अच्छा होगा, जहाँ पे ज़्यादा राइटिंग रीडिंग नहीं होता है लेकिन हर एक स्किल को वो लोग ध्यान से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। किस तरह की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर? यहाँ पे अलग अलग स्किल्स के होते हैं, जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है लोगों के लिए या आम लोगों के लिए, किस तरह के लिए? ये तो डिजेबल लोगों के लिए हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, देख खास सिर्फ पूरा देख नहीं सकते हैं, वो बच्चे तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे मेरा बेटा है या फिर ऑर्थोपेडिकली जो अंगहीन होगा, ऐसे सभी तरीके के बच्चों को जो भी ट्रेनेबल है उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। 16+ में बच्चे हमारे पास आते हैं। उसके पहले जैसे देखा जाता है कि शायद छोटी उम्र में आए तो ज़्यादा आपको लगता नहीं कि उसमें मदद मिलती है? वैसे स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे 3-4 साल से आ जाते हैं और वहाँ सिखाते हैं। तो हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर मिथुआलूर को जब बच्चे 72 में उन्होंने ये शुरू किया संस्था कोलाबा में, और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही थी तो उसने सोचने लगा कि अभी ये कहाँ जाएंगे, जो एकेडमिकली जा सकते हैं कॉलेज में वो कॉलेज में इंटीग्रेट हो गए थे, लेकिन जो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो इनके लिए क्या, यही सोच के उन्होंने एक एक्टिविटी सेंटर शुरू किया, और बाद में जाके 1989 में नेशनल जॉब डेवलपमेंट सेंटर बन के चेंबूर में ओपन हुआ। अक्सर देखा गया कि ऐसे जो बच्चे होते हैं जो या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है उनमें, तो उनमें एक ऐसी कोई शक्ति भी होती है जिसके कारण उनकी एक सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, चाहे वो म्यूजिक में हो या किसी और तरह की इंटेलिजेंस हो, क्या आप भी सहमत हैं इससे? आपने तो देखा होगा, आप इतने लोगों से जुड़ी हैं इस क्षेत्र में। बिल्कुल, इनका तो कुछ कोई ना कोई तरीके से आता है, इसलिए मैं कहती हूँ हर एक ट्रेनर को बहुत शार्प आई रखना पड़ता है, हर एक टीचर को। उनका क्या ऐसे नहीं कि जस्ट क्लास में आए सिखाए गए, इसलिए आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत कम बच्चे होते हैं। कितना बड़ा संस्था होगा लेकिन बच्चे एट ए टाइम 4 या 4 या 6 होंगे, क्योंकि फिर इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं, और हर एक के जब स्ट्रेंथ पता चलता है तो बस उसको पकड़ के उसके आगे चलो। मीनाक्षी, देखा गया कि आप एक तरह से अपनी फैमिली के दायरे से निकलकर बाहर गई हैं, अखिल के दायरे से निकलकर और लोगों की सेवा करने में जुटी हैं, तो आपको लगता है कि ये सेवा भाव अखिल की वजह से ही आप में आया है या आप में पहले भी था? ये भाव था या ना मैं नहीं बोल सकती हूँ, मे बी आई वॉज डूइंग इट फॉर माई फैमिली, मे बी आई वॉज डूइंग इट फॉर माई नीसेज एंड नेव्यूज, जो डिसेबिलिटी का जो ये एरिया है मैं तब तक नहीं जानती थी जब तक मैं स्पेसिफिक सोसाइटी में आई। बहुत से बाहर मैंने बहुत स्पेशलिस्ट के पास गई हूँ, लेकिन एज अ पेशेंट एंड डॉक्टर के तरीके, लेकिन यहाँ जब आई तो मुझे हमेशा डॉक्टर लोग कहती थी ये तुम्हारी फैमिली है, कभी नहीं सोचना कि तुम बॉम्बे में अकेली हो, कभी ये तुम्हारी फैमिली है और जो भी चाहिए हम तुम्हें अपनाएंगे, ऐसा जो अपनापन एक ग्रुप से मिला। और अखिल को भी हमेशा सब कहते थे मम्मी अकेली है तुम्हें उनका देखभाल करना पड़ेगा। तो डॉक्टर अलूर से आप मिले कैसे, उनसे मुलाकात कैसे हुई? यही जो मैंने नेशनल जॉब डेवलपमेंट सेंटर देखा तो फिर जाके मेरे हस्बैंड से कहा एंड वी प्लान्ड, फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये इनकी चेयरपर्सन है, खुद आके उनसे बात किया, और डॉक्टर अलूर ने कहा बस आप बच्चे को लाइए, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन जो मैंने तो उसको नेशनल जॉब डेवलपमेंट सेंटर में लाया था, सोचा था ट्रेनिंग करेगा, लेकिन उन्होंने उनके असेसमेंट के वजह से हमें पता चला कि ही नीड समोर ऑफ स्कूल डेज बिफोर ही कुड मैच्योर इनफ टू टेक अ ट्रेनिंग।
मीनाक्षी जी, आपसे बातें हम जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं द स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की डायरेक्टर श्रीमती मीनाक्षी बालासुब्रमण्यम से। मीनाक्षी जी, ये बताइए कि आपने डॉक्टर अलूर की बात की अभी, उनकी बेटी भी किसी तरह से विकलांगता की शिकार हैं। हाँ, तो वो भी काफ़ी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाई हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मालिनी है इसका नाम, मालिनी चिबलूर। और जब पैदा हुई तो शी हैड स्पेस्टिसिटी, जो सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। ये ब्रेन का एक डैमेज होता है जिसकी वजह से बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है और मूव करना, शी इज़ बीन अफेक्टेड इन मूविंग स्पीच। व्हाट इज शी इन्वॉल्वड इन नाउ? माने राइट नाउ तो शी इज़ डूइंग हर मास्टर्स इन द यूके एंड बहुत उन्नति किया है थैंक्स टू अ मदर लाइक मिथु हु हैज़ डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन टू दिस। खुद जाके लंदन से पढ़ के आई और जो स्कूल शुरू किया बच्चों अपने बच्चे के लिए, और आजकल तो हजारों बच्चे इनमें से बाहर आ गए हैं। और भी बच्चे हैं जो बड़े होके अभी 30, 22, 25, 35 साल के हैं, जो जाके PhD कर रही हैं और एकेडमिक्स में इंजीनियरिंग किया है वगैरह बच्चे हैं। नॉर्मल एक लाइफ जी सकते हैं जी पॉइंट के बाद ये लोग? सिर्फ व्हीलचेयर बाउंड है मालिनी, इसके लिए उसको एक्सेस की सख्त ज़रूरत है एंड शी ऑलवेज फाइंड्स लंदन और अमेरिका मच मोर कम्फर्टेबल देन इंडिया। और कमिंग बैक टू योर नेशनल जॉब डेवलपमेंट सेंटर, एक जो खासियत है जो आपके कार्यकाल में डिवेलप भी हुई है, वो यह है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की जाती है, जो ट्रेन लोग ट्रेन प्रोफेशंस होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, इसके बारे में बताइए, इसको करने का कैसे सोचा? जैसे मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर मिथु अलूर ने ये संस्था एक्सपेंड किया। पहले सिर्फ स्कूल थी और थेरेपी थी अंडर वन रूफ, फिर उन्हें महसूस हुआ जैसे बच्चे बड़े होते हैं इनके लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, और उनके पहले से विजन यही थी हर एक बच्चा का स्ट्रेंथ बाहर निकाल के इनको सोसाइटी में मेनस्ट्रीम करना। ये विजन से उन्होंने नेशनल जॉब डेवलपमेंट सेंटर, आप अगर नाम देखो तो भी इट्स नॉट अ शेल्टर्ड वर्कशॉप, इट्स अ नेशनल जॉब डेवलपमेंट सेंटर। उनकी आशा यही थी कि हर एक बच्चे को हम IC ट्रेनिंग दें जिससे उसको बाहर काम मिलने की संभावना हो। और क्या कभी होता है कि ऐसे काम नहीं मिल पाता है? बहुत बार होता है, क्योंकि लेवल्स ऑफ डिसेबिलिटी डिफरेंट होते हैं। तो हम 4 मॉडल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट या ओपन एम्प्लॉयमेंट कहते हैं जो हम सब लेते हैं, और शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे इनको शेल्टर यूनिट में रखा जाता है और असेंबली लेवल जो काम वो लोग कर सके वो करते हैं। और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे अखिल ने एड एजेंसी खोला पेरेंटल सपोर्ट के साथ, या फैमिली बिजनेस में आ गए और हमने कई बच्चों के लिए कियोस्क खुले हैं। कियोस्क की आपने बात की, तो किस तरह के स्कूल्स ये वॉलंटियर करके देते हैं कियोस्क? ये ज़्यादा करके 1-to-1 बात करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि स्कूल से दें, कोई कॉर्पोरेट ऑफिसर्स भी दे सकते हैं। जहाँ जगह चाहिए, हाँ, जहाँ पे उनका कंपाउंड हो, अगर वो एक दुकान रखने के लिए अगर जगह दे दे, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या फिर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक कंपाउंड हो सकता है। हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे बाहर रास्ते में नहीं करें, अंदर होगा तो ये सेमी शेल्टर होता है। तो ऐसे भी हम लोगों से बातें करते हैं एंड वी आर एबल टू गेट स्पेस लाइक दैट। इस सूरत में जब काम नहीं मिलता है तो आप और आपकी संस्था कुछ और तरीका अपना सकते हैं इनको काम देने के लिए, क्योंकि ऐसा होता ज़रूर होगा कि उनको कहीं उनका मनोबल टूट जाता होगा। हाँ, हमने यही देखा 1997 में, हमने जब एक रिसर्च किया कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो ये पता चला कि 56% आर एम्प्लॉयड ओपनली एंड अदर्स सम ऑफ देम आर आल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन कोई ऐसे बच्चे थे जो बैक टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, क्योंकि उनका डिसेबिलिटी इतना ज़्यादा था कि एक्सेस प्रॉब्लम हो या फिर एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम हो, तो पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं कहा और बच्चे भी वापस चले गए। फिर हमने मैनेजमेंट से और चेयरपर्सन से बात करके हमने मनाया उनको कि हमें ये बच्चों को घर में वापस नहीं भेजना चाहिए। फिर हमने एक एक्टिविटी सेंटर हमारी संस्था में खोला जहाँ पे शेल्टर यूनिट करके ये लोग काम करते हैं, और अभी हमारा एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे 20-22 बच्चे आए हैं, हमने एक कॉर्पस भी छोटा सा उनके लिए कलेक्ट किया।
फंड रेजिंग किया ऑर्गेनाइजेशन से और उसको जैसे डिपॉजिट करके उससे पैसा आएगा इसका मेंटेनेंस के लिए करके, और छोटा छोटा काम जो असेंबली लेवल सिंपल काम होता है जैसे पैकेजिंग हो, पेपर बैग्स बनाते हैं, सेफ्टी पिंस का असेंबली होता है, कोई भी छोटा छोटा काम हो इंडस्ट्री का कोई असेंबली लेवल, वो सब काम हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स लाते हैं, तो ये बच्चे वहाँ बैठ के काम करते हैं। बात ये नहीं है कि वो लोग कितना कमाते हैं, बात ये ज़रूरी है कि वो लोग घर से जैसे उनके भाई बहन बाहर जाते हैं सवेरे, ये लोग भी यहाँ आते हैं, काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वापस जाते हैं, फैमिली भी उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जितना भी वो लोग ने 200 या 300 भी कमाया, लेकिन दे आर अर्निंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर सिस्टम्स के डायरेक्टर के हिसाब से भी आपने कई उपलब्धियां आपकी रही हैं इसमें स्पास्टिक सोसाइटी में, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। मैंने मेरा रिलेशन विद द स्पास्टिक सोसाइटी शुरू किया एज अ सिस्टम्स डायरेक्टर, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर कंसल्टेंसी था, मेरा यही एक आशा थी कि यहाँ जो कोर्सेज चलते हैं वो जैसे NIT या APTEC के चलते हैं, ऐसे बच्चों को इतना स्ट्रेंथ देना चाहिए कि बाहर जाके काम मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो हमने किया कोर्स कंटेंट्स वगैरह, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम था क्योंकि सर्टिफिकेट स्पेस्टिक सोसाइटी की है जो अपंग लोगों के लिए काम करते हैं। तो फिर हमने अभी टेक्निकल टाइप्स किया CMC लिमिटेड के साथ जो हायर एंड प्रोग्राम के प्रोग्रामिंग कोर्सेज के लिए हैं, और माइक्रोसेल से मल्टीमीडिया वेब डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए किया। तो अभी जब उनका सर्टिफिकेट होता है हमारे बच्चों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट में, और ये भी रिसर्च में देखा गया कि ज़्यादा करके कंप्यूटर ट्रेनीज को काम मिलना आसान है। आप क्या सोचती हैं नॉर्मल आम आदमी का स्पास्टिक सोसाइटी की तरफ या स्पास्टिक लोगों की तरफ, आप जैसी संस्थाओं की तरफ रवैया कैसा है? डू दे नीड टू बी मोर सेंसिटिव स्वास्थ्य से? यस, देखिए जब हम किसी से भी कांटेक्ट करते हैं तो उनका यही है आपको कितना रुपया चाहिए। वो सोचते हैं कि हम आपको फंड्स दे दें, आप अपना काम करते रहिए, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत नेक काम करते हैं, काम करते रहिए, हम आपको फंड्स देंगे। लेकिन हम जो भी कॉरपोरेट लोगों से बात करते हैं, HRD लोगों से इंडस्ट्री में, तो हम ये कहते हैं नहीं, हमें इंक्लूजन चाहिए, आप हमारे चार बच्चों को अपने संस्था में अपना ऑर्गेनाइजेशन में काम दीजिए, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प देमसेल्व्स। मतलब जैसे बोलते हैं आप फिश मत दो, आप फिशिंग रॉड दे दो ताकि उनका ज़िंदगी बन जाए। मीनाक्षी जी आपसे बातें जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वयं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं श्रीमती मीनाक्षी बालासुब्रमण्यन से। मीनाक्षी जी ये बताइए, आपका जो कार्य है उसमें काफ़ी संयम, काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है, जो मुझे लगता है आप में है, पर कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि आपका काम ठीक से नहीं हो रहा है और आप कभी निराश हुई हैं इस बात में? बहुत बार होता है, क्योंकि हमें शुरुआत में पहले पेरेंट्स से लड़ना पड़ता है, पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है, कि जिसे मैंने शायद कहा मुझे याद नहीं, बट एज पेरेंट्स वी आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव। एक बार जब पता लग जाता है कि बच्चे में डिसेबिलिटी है तो बहुत ओवर प्रोटेक्ट करते हैं इस बच्चे को, इसलिए जब पेरेंट्स आते हैं तो पहले उन्हें काउंसिल करके बाहर निकलना ज़रूरी होता है कि अभी आपका बच्चा बड़ा हो गया है, उसे अपना काम संभालने दो और उसे बाहर जाके काम करना है। करना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो बाद में लड़का या लड़की ट्रेनी को भी बोलना सिखाना पड़ता है, इट्स अ प्रोसेस। एक दिन बोलने से कुछ समझ में नहीं आएगा, इट्स अ प्रोसेस कि आई कैन, और मोटो इज़ आई कैन, तो तुम कर सकते हो, तुम देखो ये किया वो किया, ये तो अक्सर करना पड़ता है। मीनाक्षी जी आखिर में हम ये चाहेंगे कि आप हमारे उन माता पिताओं को कुछ अपनी तरफ से कुछ सांत्वना दें, कुछ ऐसा संदेश दें तो जिनके ऐसे बच्चे हैं जो ठीक से नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाई है जिनकी जीवन में, वो अपने आप को भी कैसे दृढ़ संकल्प से अपने आप को भी संभालें और बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकें। हाँ, एज अ मदर मुझे यही कहना है कि जब मैंने जन्म दिया बच्चे को, तो लड़का हो या लड़की,
अपंग हो या नॉर्मल, एक्सेप्ट हमें करना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें दूसरों की मदद लेना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए अपने बच्चों को, और कंटिन्यूसली उन्हें भी धैर्य देना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा, तुम ये काम कर सकते हो. अच्छा, जो भी उनका स्ट्रेंथ है उसे बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे जाके और भी करने की कोशिश करें. अगर हम जो वो लोग नहीं कर सकते वो उसी पे अकड़ रहे, तो जो कर सकते हैं वो भी छूट जाएगा. तो हमेशा यही मेरा संदेश है कि वन मस्ट ट्राई एंड स्ट्रेंथन देयर एबिलिटीज. मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने. हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे जीवन में आप और लोगों की सेवा कर पाएँ, ऐसे ही सबके सब में खुशी बांटती रहें. आप हमारे शो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. हमने मीनाक्षी जी से बातें की और जाना कि ज़िंदगी कहीं अगर सवाल सामने रखती है तो हमारे सामने दो विकल्प भी होते हैं. या तो हम उन सवालों का जवाब ढूंढें या फिर सिर झुका लें नियति के आगे. लेकिन कहीं कोई चीज़ है जो हमें सब कुछ वैसे ही स्वीकार कर लेने से रोक लेती है. वो है ज़िंदगी से जूझने की हमारी शक्ति, हमारी समझ, जो कहीं हम सबके अंदर होती है. कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग नहीं. और जिन लोगों ने इसे पहचाना है उन्हीं में से एक है मीनाक्षी बालासुब्रमण्यम. इनकी राह हमेशा रोशन रहे, यही हम उनके लिए कामना करते हैं.